हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंघम 3 के विलेन अर्जुन कपूर का धांसू लुक सामने आ चुका है। अर्जुन कपूर के लुक को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। अर्जुन कपूर का ये लुक खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर आई फोटोज में अर्जुन कपूर का मुंह खून से भीगा नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी फोटो में अर्जुन और रणवीर सिंह एक दूसरे के आमने सामने भी दिखाई दे रहे हैं। मुनव्वर फारूकी और हिना खान की कोलकाता से वायरल तस्वीरें फैंस का दिल जीत रही हैं। इन तस्वीरों में हिना खान बंगाली अटायर में हंसते हुए नजर आ रही हैं। ये फोटोज इन दोनों के म्यूजिक वीडियो के सेट से आई हैं। वहीं मुनव्वर व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इन दोनों सितारों ने कोलकाता के फूड का भी जमकर लुत्फ उठाया है। फिल्म भूल भुलैया 3 के निर्देशक अनीस बज़मी को लेकर एक खबर सामने आ रही है। खबर है कि भूल भुलैया 3 की रेकी के आखिरी दिन उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कथित तौर पर डॉक्टरों ने बज़मी के पैर में स्टील की प्लेट डालने के बाद उन्हें 6 महीने के आराम करने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सयामी खैर निर्देशक नीरज पांडे की आगामी फिल्म में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ये प्रोजेक्ट एक महिला प्रधान विषय की खोज करने वाली एक लेखक समर्थित भूमिका है, जो दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। वहीं ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म होने वाली है। वैलेंटाइन डे के दिन सोशल मीडिया पर अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसको देखकर लगता है कि दोनों ने सीक्रेटली अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर लिया है। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो फोटो शेयर की है। वहीं एक तस्वीर में वो हार्ट शेप बलून लिए हुए हैं, तो दूसरी में उन्होंने सनफ्लावर्स की फोटो शेयर की है। गौरी खान ने हाल ही में मुंबई में अपना एक और नया रेस्टोरेंट टोरी खोला है। वहीं लॉन्च के टाइम गौरी खान बहुत ही ग्लैमरस अंदाज में नजर आई थी। रेस्टोरेंट के लॉन्च में गौरी खान ने ब्लू एंड ब्लैक बॉडी फिट आउटफिट पहना था। वहीं गौरी के इस रेस्टोरेंट लॉन्च में महीप कपूर, सीमा सचदेव, भावना पांडे और नीलम कोठारी भी पहुंचे थे। अभिनेत्री दिशा पाटनी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले किसी ने उनको लाल गुलाब का एक बुके भेजा है। इसके बाद लोगों का यही पूछना है कि वो आखिर किसके साथ वैलेंटाइन बनाने वाली हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आकर आग की तरह फैल रही हैं। खबर आ रही है कि नितेश तिवारी की रामायण से अमिताभ बच्चन बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, खबर है कि उनको रामायण के राम यानी अरुण गोविल ने रिप्लेस कर दिया है। वहीं अरुण गोविल इस फिल्म में दमदार किरदार निभाने वाले हैं और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो यानी लेट मधुबाला का बर्थडे है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। दिल में छेद होने के कारण 29 फरवरी 1969 को मात्र 36 ईयर्स की उम्र में मधुबाला का निधन हो गया था। मधुबाला ने अपने फिल्मी करियर में काफी सुपरहिट फिल्में दी थी। वहीं उनका निजी जीवन भी बेहद दुखों से भरा था। मधुबाला को द ब्यूटी विद ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। एकता कपूर की अपकमिंग फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स की इस मूवी का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें धड़कते हुए दिल में कई एप्स दिखाई दे रही हैं। साथ ही बताया गया है कि ये फिल्म 19 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।